रियल लाइफ हीरो, मोनिया के सपनों का राजकुमार प्रिंस उदयवी। अब सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने उसे बनाएंगे अपना हम सफर। लेकिन ये हीरो है ना, थोड़ा हटकर है। उसके प्रपोज करने का तरीका बिल्कुल निराला है। तो प्रियल, ये तुम्हारे लिए मेरी साइड से। नहीं, छोटा है। ओके, ठीक है। इससे थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक के बदले दो देता हूँ। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तुम लोगों ने फंसा दिया मुझे अभी। अच्छा, ये बड़ा वाला, ये भी ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ा जो है अभी मेरे पास, ये दे देता हूँ। बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं चाहिए। तो अभी क्या, पूरा पेड़ उठा के ले आओ। तो ये कोई थोड़ी देता है, मुझे नहीं चाहिए। ओह नो देवी, मोनिया को ये तरीका पसंद नहीं आया। कुछ और ट्राई करो। चलो चलो, ये बुके तुम्हारे लिए है। जब मैं लाया था बुके तो बहुत खुश थे, सारे खिले हुए थे। बट जब मैंने बताया ये प्रियल के लिए, तो ये देखो आधे मर गए हैं, आधे सड़ गए हैं। लेकिन ठीक है, अभी इन्हीं से काम चलाओ तुम। सो दिस इज फ्रॉम मी टू यू। अरे वाह, मोनिया तो अब खुश हो गई बस एक बुके पाकर। लेकिन नहीं, मोनिया की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। जरा सुनिए, आपके सपनों का राजकुमार आपको किस तरह से प्रपोज करे, ये तो जरूर आपके कहीं ना कहीं दिल में होगा, ये बताइए। बीच पे आशु, मैं कह रहा हूँ मुझे एक दिन लेके जाना पड़ेगा इसको। मैंने इसको वैसे ही कहा कि प्रपोज करना तो बीच में करना। तो ठीक है, अभी चौपाटी जाते हैं इसके बाद। वाओ, बीच पर प्रपोजल। लेकिन मोनिया, कोई खास वजह है इसकी? हाय प्रिंसेस, कल क्यों ना आप और हम कहीं बाहर चलें डेट पे। एक्चुअली हमारी लव स्टोरी गोवा से शुरू है। अच्छा, तो गोवा का बुखार अब भी नहीं उतरा। चलिए कोई बात नहीं प्रियल, अब सास बहू बेटियां के कैमरे पर पहली बार आपने प्यार का इजहार किया है, तो आपके ग्रैंड प्रपोजल के लिए हम आपके साथ गोवा भी जरूर चलेंगे। अनुपमा राय, मुंबई, आज तक। होता है तो उसके साथ रिस्क भी कई होते हैं, और आजकल आशीष और प्रियल के जिंदगी में कई रिस्क हैं कि लोगों को पता न चल जाए, लेकिन हमें पता चल गया कि इश्क हो चुका है। बताइए, जैसे कि आपने कहा कि इश्क में कई रिस्क होते हैं, तो अभी रिस्क लेने का चांस आ गया है, टाइम आ गया है। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, तो इट डिपेंड्स कि मैं कितना झेल सकता हूँ इसको, कितना नहीं झेल सकता। तो अभी मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। पहले ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई, मिले कहाँ पर? कहाँ मिले थे हम? लेकिन आप जो रोमांटिकली खेल थी वो आकाश के ऑपोजिट थी, फिर कैसे जो शो में जब आशीष ने एंट्री मारी, फिर किस तरह से सब कुछ हुआ बताइए। पर वो तो ऑन स्क्रीन है ना, ऑफ स्क्रीन थोड़ी हम वो थे। ऑफ स्क्रीन तो मैं आशीष के साथ ही हूँ। ओके, ये बताइए कि ये बहुत क्यूट बच्ची जैसी लगती है, तो आपको इनके? नहीं, मैं यही बात क्लियर करना चाहूंगा, ये क्यूट बच्ची जैसी लगती है, इसके साइज पे मत जाइए, जितनी नीचे है उतनी ऊपर है ये। ये बात अच्छी लगती है कि बहुत क्यूट है, बबली है, इनोसेंट है, जो है जैसा है सामने, कोई ऐसे पीठ पीछे नहीं कुछ नहीं। पर आपको आशीष के बारे में क्या सबसे अच्छी बात लगती है? सीधा है, बस इतना ही कहूंगी मैं। वो देखिए ना, आपने आज टेढ़ा है पर मेरा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा किसने किसको प्रपोज किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जैसा कि ये कहावत है कि अ वे टू गाइस हार्ट इज टू स्टमक, तो इसने सबसे पहले मुझे आदेश दिया, ये पिज्जा के सारे मेन्यू लगा दिए यहाँ पे। रोज एक पिज्जा ऑर्डर करती है मेरे लिए। नैना लगे तो डागे, बिना डोरी या धागे बांधते हैं दो नैना खाब से, नाता हो ना पता। सारे पिज्जा देखे, कौन लड़का हाँ नहीं करना चाहेगा मुझे आप बताइए, कौन सा लड़का मना करेगा? और खाने में इसको जो है तो ये खा लेता है। एक्चुअली हम जो बाहर जाते रहते, जो मैं मंगाती हूँ वो ये खा लेता है। एक्चुअली लेफ्ट ओवर कहने का मतलब, इसका लेफ्ट ओवर नहीं खा रहे, जो खा रहे कभी दिमाग में।
घंटे नहीं, हमारा प्यार प्यार या जो भी अभी फिल्मी तो है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ लड़ाई हुई हमारे बीच में, तो ये इसमें चूड़ियाँ तोड़ी हैं जैसे फिल्म में चूड़ियाँ तोड़ते हैं, इस पे पैन कीजिए आप कैमरा, तो कुछ ना कुछ टूटता रहता है, ये मेरा आईपैड जैसे फेंक के तोड़ दिया, मैं दिखाना चाहूंगी आपका आईपैड लगा। स्टोरी तो काफी फिल्मी है, फिल्मी के साथ साथ काफी फनी भी है, और इस फन के साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये वैलेंटाइन डे बहुत 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 रोमांटिक रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।